हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की दो बड़ी यूनिवर्सिटी से आपकी परीक्षाओं को लेकर, रिजल्ट को लेकर दो बड़ी बड़ी अपडेट आ रही हैं। दोनों ही अपडेट के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, तो आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की जो सबसे पहली अपडेट है वो CCSE से एफिलेटेड VED फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आ रही है। वी फार्मा के छात्रों को यहाँ पर राहत दी गई है। जिन स्टूडेंट्स ने पहले बी फार्मा किया था और उन्होंने बी फार्मा करने के बाद VED में एडमिशन लिया था, तो CCSE यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस में ऐसे स्टूडेंट्स के जो परीक्षा फॉर्म थे वो फिल नहीं करवाए जा रहे थे, यूनिवर्सिटी ने रोक लगा दी थी। फिलहाल अब यूनिवर्सिटी ने परमिशन दे दी है। अगर आपने बी फार्मा करने के बाद VED में एडमिशन लिया था और आपका VED फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं हो रहा था, तो आप आज से अपना जो परीक्षा फॉर्म है वो फिल कर सकेंगे। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने जो आदेश हैं वो जारी कर दिए हैं और आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे। 3 दिन तक भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म, 23 जून से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगे। CCSE ने बी फार्मा वाले छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी है। अब छात्र 18 जून से लेकर 20 जून तक VED द्वितीय वर्ष के परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। 23 जून से आपकी परीक्षाएं भी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको पता ही होगा 2021 में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने VED का एंट्रेंस एग्जाम कराया था और VED का एंट्रेंस एग्जाम कराने के बाद पूरी UP में जितने भी VED कॉलेजेस हैं एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के बाद ही आपके जो एडमिशन है वो सभी जिलों में होते हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस हो, ठीक है, तो उसमें आपका एडमिशन हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर 2021 में जो VED का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ उसमें CCSE से एफिलेटेड कॉलेजेस में भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिए और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बी फार्मा करने के बाद उन्होंने VED में एडमिशन लिया था। यूनिवर्सिटी का ये कहना था कि बी फार्मा करने के बाद आप VED नहीं कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर जानकारी दी गई थी। लेकिन फिर जो स्टूडेंट्स थे वो हाईकोर्ट वगैरह चले गए और वहाँ से हाईकोर्ट ने यहाँ पर कॉलेजेस से कहा कि आप अपने स्तर से इसे देखिए, तो कॉलेज वालों ने भी यहाँ पर NCT से इसके बारे में जानकारी मांगी, तो NCT ने अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इसलिए अभी यूनिवर्सिटी ने क्या किया, यहाँ पर स्टूडेंट्स को राहत देते हुए उनके जो परीक्षा फॉर्म है वो फिल करना स्टार्ट करा दिए। बाकी सारी जानकारी इस न्यूज़ में यहाँ पर दी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से रीड कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि छात्र आसिफ खान ने इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका डाल दी, जिस वजह से ये सारी चीज़ें अभी हो गई। अभी जिन स्टूडेंट्स ने बी फार्मा के बाद VED में एडमिशन लिया है CCSE से एफिलेटेड कॉलेजेस में, तो वो स्टूडेंट्स अभी अपना परीक्षा फॉर्म फिल कर दें। 20 जून यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। और इसी के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी से इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है, बैक पेपर वाले 25 तक भर सकेंगे फॉर्म। लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं 2021 और 21-22 के अभ्यर्थियों को एक बार फिर से बैक पेपर परीक्षा का फॉर्म भरने का अवसर दिया गया है। विद्यार्थी 25 जून तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म फिल कर सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक विद्यानंद त्रिपाठी जी ने बताया कि इसके बाद आपको जो मौका है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही UG और PG के कई कोर्सेज के जो रिजल्ट हैं वो यहाँ पर जारी किए गए। ये अपडेट भी लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने शनिवार को UG PG और सेमेस्टर के कई सब्जेक्ट के जो रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए। विद्यार्थी इन्हें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जिन विषयों के रिजल्ट जारी किए गए उनमें BA BSc BCOM, इसके अलावा BSc MA MSc MCOM पाठ्यक्रमों को तहत आने वाले जो सब्जेक्ट हैं वो शामिल हैं। इसके साथ ही नकलची पकड़ने की सूचना दबा रहे हैं। इसके साथ ही आवत कॉलेज में 22 को यहाँ पर एडमिशन होंगे, तो ये भी अब आप यहाँ से देखते हुए जाइए। अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज में फॉर्म भरने वाली छात्राएं 22 जून को एडमिशन ले सकेंगी। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर वीना राय ने बताया कि 20 और 21 जून को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और 22 जून को काउंसलिंग सहित प्रवेश करने प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कॉलेज में BA की 400 और BCOM की 240 सीटें हैं। प्रवेश के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वो 30 जून तक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डेट है ये कुछ मिस्टेक्स हैं यहाँ पर, जिसमें आप देख सकते होंगे यहाँ पर जानकारी दी जा रही कि 21 जून को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, 20 जून को काउंसलिंग हो जाएगी और लास्ट डेट 30 जून है फॉर्म भरने की। तो इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, ये आप कॉलेज में जाकर देख लीजिए कि कैसा क्या है इसमें डेट में कुछ मिस्टेक्स हैं या न्यूज़पेपर में। तो बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।